प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार, जय माता दी, सबको स्वागत है आपका हमारे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज बात करेंगे कि वह व्यक्ति पागल हो जाएगा आपको याद कर करते, नाम लेकर उसका ये उपाय करते। 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में ही सोचने लग पड़ेगा, थोड़े ही समय में इसका असर भी आपको देखने को मिल जाएगा। असर आपको क्या देखने को मिलेगा? वह व्यक्ति की कॉल आ सकती है, वह व्यक्ति खुद आ सकता है, वह व्यक्ति अपना मैसेज किसी के हाथ दे सकता है या वह खुद आके आपसे बात कर सकता है। आप ये चीज महसूस कर सकते हैं क्योंकि उसके कई ऐसी चीजें जब वो करने लग पड़ेगा कि आपको वो याद कर रहा है, कोई आपके अगर कोई भी व्यक्ति हो जो वो जो आप जिसे आपकी याद आ रही है, वह आपकी याद में तड़प रहा है, तो वो कोई ना कोई रिएक्शन आपको देगा, या आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा या आपका हाल चाल पूछेगा या आपसे मिलने आएगा। तो किसी ना किसी तरीके से आपसे कॉन्टेक्ट करने की वह व्यक्ति कोशिश करता है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमें याद कर रहा था। और कई बार याद इतनी ज्यादा होती है कि वह खुद ही आपको अपनी जुबान से कह देता है कि हमें तुम्हारी बेहद याद आ रही थी, हमारे लिए तुम्हारे बिना रहना बेहद मुश्किल हो गया था, इसलिए हम तुमसे मिलने आ गए, तुम्हें कॉल कर ली या तुम्हारे पास वापस आ गए, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। जो भी चीजें उसके माइंड में होगी आपको फील करके वह इंसान आपसे खुद आकर कह सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बेहद प्रेम करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, या 24 घंटे जिसे आप याद करते हैं और अब आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे याद करे, मेरी याद में पागल हो जाए, मेरी याद में तड़पने लगे और बस किसी भी तरीके से मेरी लाइफ में आ जाए, वो ये जो उपाय है सिर्फ पार्टनर्स के लिए कर सकते हैं। चाहे वो आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया हो, आपका एक्स हो या आपका हस्बैंड हो, जो भी है, लेकिन पार्टनर के, लव पार्टनर्स के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें आपने क्या करना है। ये जो उपाय है, ये उपाय हम लाल किताब के अनुसार बता रहे हैं। तो लाल किताब के अनुसार जो भी उपाय होते हैं इसको बेहद ही सावधानी से और सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो ये बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती है, जीरो रिजल्ट हो जाता है इसका। तो इसको बिल्कुल तरीके से और अच्छे से आपने करना है। तो बताएंगे कि इस उपाय को आपने करना कैसे है, किस दिन करना और किस तरीके से करना है। इस उपाय में आपने एक मंत्र बोलना है, उसका नाम लेकर आपने एक मंत्र बोलना है। ये जो उपाय होगा ये होगा कि आपने रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही उसका नाम लेकर, एक बार अपने मुख से उसका नाम लेकर, आंखें बंद करके उसके बारे में सोचकर, अपने पास एक लाल कपड़ा रखना है। अपने जब आप ये मंत्र बोल रहे होंगे, वह लाल कपड़े को अपने हाथ में पकड़ रख सकते हैं, अपने गोद में रख सकते हैं, और जब आप सो जाएंगे तो वह लाल कपड़े को अपने सिरहाने के नीचे रख सकते हैं। और आपने वह लाल कपड़े को जब आप मंत्र बोलेंगे तो अपने हाथ में पकड़कर या अपने गोद में रखकर पहले उस व्यक्ति का नाम लेना है, आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचना है और इस मंत्र को कम से कम 11 बार बोलना है। आपने मंत्र क्या बोलना है आप ये सुनिए, मंत्र आपने बोलना है ओम नमो कामदेवाय रति पति मम यदा वश्य मम करोति स्वाहा। ये मंत्र आपने बोलना है, इसे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। ये मंत्र लाल कपड़े को अपने हाथ में रखे हुए या अपने गोद में रखे हुए इस मंत्र को 11 बार बोलना है। उसके बाद जो लाल कपड़ा होगा उसे अपने सिरहाने में रखकर आपने सो जाना है। ऐसा आपने शुक्रवार की रात से शुरू होकर लगातार 11 दिन तक करना है। मंत्र भी 11 बार बोलना है और 11 दिनों तक, यानी कि 11 रातों तक आपने बोलना है। तो 11वीं रात हो जाएगी तो अगले दिन 12वीं सुबह आपने वह जो लाल कपड़ा है जल प्रवाह कर आ जाना है। और आप देखेंगे कि ये उपाय से
कोई भी व्यक्ति जिसका नाम लेकर आप ये उपाय कर रहे हैं, वह आपकी तरफ अपना खिंचाव महसूस करेगा, वह आपके वश में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, वह आपको बेपनाह याद करने लग पड़ेगा, आपकी याद में तड़प जाएगा, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मिलने की कोशिश करेगा। कई बार क्या होता है, उपाय करते करते आपको 3 या 4 दिन में भी उसकी कॉल आ सकती है, लेकिन उपाय वहां पर खत्म नहीं करना है, उपाय 11 दिनों तक कंटिन्यू करना है, ताकि उसका साथ आपके साथ उम्र भर का हो जाए, उसका प्रेम आपके साथ उम्र भर के लिए जुड़ जाए और हमेशा आपकी कद्र करे, हमेशा आपके प्यार में पागल रहे। उपाय बेहद प्रभावशाली है, जिसे भी चाहते हैं कि आपकी याद में तड़पे, आपकी याद में दीवाना हो जाए, तो उसका नाम लेकर उपाय आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम एक बार समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।